नमस्कार दोस्तों, माही डीटीएच चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आपको इस वीडियो में टाटा स्काई रिलोकेशन कैसे करते हैं वो इस वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों, केबल टाई को हमें प्लास की मदद से काट लेना है और जो एजिमथ वाला नट है वो हमें लूज कर देना है, क्योंकि इस रिफ्लेक्टर को हम मास्ट से अलग कर सके। तो दोस्तों देखो, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हमें इस रिफ्लेक्टर को इसी तरह हमें मास्ट से निकाल देना है, क्योंकि हमें सबसे पहले मास्ट लगाना है। दोस्तों इस मास्ट को हमें पैरापेट पे इसी तरह लगाकर इस स्टैंड हमें 90 डिग्री पे कर देना है। तो दोस्तों देखो, ये मैंने 90 डिग्री पे करके रखा है और यहाँ हमें छेद करने के लिए निशान कर देनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो मैं मार्क कर रहा हूँ। दोस्तों स्टैंड हमारा 90 डिग्री पे लगेगा, तभी हमारा प्रॉपर तरीके से सिग्नल हमें सेट होगा और ड्रिल की मदद से हमें यहाँ छेद कर देना है। दोस्तों आप देख सकते हो। दोस्तों डिस्क का स्टैंड अच्छी तरह से फिट हो जाए, इसलिए इस रेड कलर की गिटिया को हमें इस वॉल में लगा देना है। दोस्तों ड्रिल की मदद से हमें स्क्रू को टाइट कर लेना है, क्योंकि जो हमारा स्टैंड है अच्छी तरह से फिट हो जाए। तो इस रिफ्लेक्टर को हमें इस स्टैंड के में लगा देना है। तो दोस्तों देखो, ये मैंने अच्छी तरह से रिफ्लेक्टर लगा दिया है। तो दोस्तों देखो, ये डिश हमारी लग चुकी है। अब उसमें हमें सिग्नल ट्रैक करना है, तो सबसे पहले हमें सर्विस केबल लेकर LNB पोर्ट में कनेक्ट कर देना है, और दूसरा हिस्सा होता है वो सैटेलाइट फाइंडर में कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ आपको टाटा स्काई का जो ट्रांसपोंडर है वही सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों देखो, ये मैंने टाटा स्काई का ट्रांसपोंडर सिलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इस रिफ्लेक्टर को अप डाउन करना है हल्के हल्के, जहाँ हमारा सिग्नल मिले वहाँ हमें डिस्क को रोक कर लॉक कर देना है। तो दोस्तों देखो, ये आप देख सकते हो, मैं सिग्नल ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखो, ये हमारा सिग्नल यहाँ 65 सिग्नल हमें यहाँ मिल गया है, आप देख सकते हो। दोस्तों हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।